अनचाहे बालों से परेशान है, इससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, तो ये जो चीज़ है ना, इसे पीस कर मिलाकर लगा लीजिए। इस तरीके से बाल झड़ कर गिर जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, ये होममेड रेमेडी है, मगर ये काम इतना बेहतरीन करता है ना कि क्या ही बोलूं। बस इसे पीसना है और इस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड, अगर आप अपने फेशियल हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके चिन एरिया में, अपर लिप्स पर या फिर कान के साइड में बहुत ज़्यादा बाल का ग्रोथ है, हाथ पैर में भी बाल है, उसे रिमूव करने के लिए वैक्स का, थ्रेड का, क्रीम का, रेजर का इस्तेमाल करती हैं, बाल वापस से आ जाते हैं और बाल का ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाता है, इस तरीके से बहुत ही हार्ड बाल हो जाते हैं, तो एक बार ये होममेड रेमेडी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए, ताकि अगला वीडियो भी आप देख सकें। और फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आप कहाँ से देख रही हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए बारीक पीस लिया है, तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड और बेलन का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर सील बट्टा है तो आप उस पर भी पीस सकती हैं। ग्राइंडर में पीसने को ये नहीं जमेगा, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी में बनाना है, तो हम इसे ग्राइंडर में नहीं पीस सकते हैं, अच्छे से नहीं पीसेगा। इस पे ये बारीक हो जाता है, एकदम बारीक हो जाता है, ये देखिए। तो पीसने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है। चम्मच से इसको देखें तो ये लगभग एक चम्मच के करीब है, तो एक छोटा चम्मच के करीब हमें पेस्ट चाहिए। अब यहाँ पर मैंने राइस फ्लोर लिया है, यानी चावल का आटा, तो एक छोटा चम्मच इसमें चावल का आटा डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। चावल के आटे में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी रहते हैं जो हमारे स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है। अगर आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं, पिंपल्स के दाग हैं, उसे भी काफ़ी हद तक ये रिमूव कर देता है। स्क्रबिंग का काम भी बहुत ही अच्छा करता है। अब यहाँ पर हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर हमें आधा चम्मच चाहिए, आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। अब ये बहुत ही सूखा हो गया है, इसे हमें गीला करना है। उससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, चुटकी भर हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने किचन का हल्दी लिया है, आपके पास अगर कस्तूरी हल्दी है तो आप वो भी ले सकती हैं। किचन का हल्दी बस थोड़ा ही लीजिएगा, क्योंकि ये कलर छोड़ता है, तो हमें अपने स्किन को पीला कलर नहीं देना है। अगर कस्तूरी हल्दी है तो आधा छोटा चम्मच आप ले लीजिएगा। अब साथ में इसमें मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच एलोवेरा जेल, ये मार्केट वाला जेल है। अगर आपके पास गमले में लगा हुआ पेड़ है तो आप उसका जेल निकाल कर ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पीला पानी लिया है, पानी को डालकर अच्छे से इस तरीके से मिलाना है, इसको एकदम पेस्ट के जैसा बना लेना है। तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है। अब ये पानी कौन सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो चीज़ हमने पीसा है ना उसी का पानी है, ठीक है। तो वो क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जब तक हम ये सब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, तो आप पहले फेस वॉश कर लीजिएगा अपने फेवरेट फेस वॉश से, ताकि आपके फेस पर क्रीम वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। अब गुलाब जल को कॉटन में इस तरीके से ले लेंगे, उसके बाद एक बार फिर से इस तरीके से अपने फेस को क्लीन करेंगे गुलाब जल से। गुलाब जल जो है ये टोनर का काम करता है फ्रेंड, और जितना भी स्किन में गंदगी रहेगा उसे रिमूव करेगा। तो बस आपको कॉटन में लेकर इस तरीके से क्लीन कर लेना है। अगर आप रात में सोती हैं ना, तो रात में भी आप इसे इस तरीके से करके सो सकती हैं, बहुत ही बढ़िया आपका स्किन हो जाएगा। गुलाब जल हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप इसे हर केस में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, और आप देख सकती हैं कॉटन में भी थोड़ा थोड़ा सा गंदगी रिमूव हो चुका है, आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट है ना इसे अच्छे से मिला लेंगे एक बार, उसके बाद उंगली की सहायता से इस तरीके से लगाएंगे। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकती हैं, मैं यहाँ पर उंगली से ही लगा रही हूँ।
तो बस इस तरीके से आपको लगाना है ऊपर से नीचे की साइड, ताकि बाल के साइड में ये लगे। फ्रेंड, बहुत सारी लेडीज रहती हैं जो पार्लर जाना पसंद नहीं करती हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो हर महीने पार्लर जा सके, तो आपको उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। और ये मास्क सिर्फ लेडीज ही नहीं, इसे जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेयर को ही नहीं रिमूव करेगा, ये आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम को रिमूव कर देगा। अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा धूप और धूल मिट्टी की वजह से टैनिंग हो गया है तो उसे भी हटाएगा, झाइयाँ हैं तो उसे भी काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा लिया है, 25 मिनट के लिए इसे सूखने देंगे। जब तक ये सूख रहा है तब तक आपको बता देती हूँ कि ये जो पेस्ट है वो किससे मैंने बनाया था। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिया है अंजीर। अंजीर को मैंने पानी में रात भर के लिए भिगा दिया था। भीगने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जिससे इसे आसानी से पीसा जा सकता है और इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, ये काफ़ी हद तक मोटा भी हो जाता है। तो अंजीर हमारे पेट के लिए तो अच्छा रहता ही है, मगर ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अंजीर को मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से आता है, ये देखिए। तो बस आपको एक अंजीर निकालना है और पानी में डालकर भिगा देना है, और आप देखिए साइज देख सकती हैं कि ये सूखा रहता है तो काफ़ी पतला रहता है, मगर देखिए जब ये फूल गया है ना पानी में तो काफ़ी मोटा हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो बस इस तरीके का ये रहता है। थोड़ा सा महंगा आता है, मगर ये स्किन को बहुत ही बढ़िया काम करता है। महंगा महंगा क्रीम फेशियल तो हम कराते ही हैं ना, तो ये वाला आप इस्तेमाल करके देखिएगा, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो इसी को मैंने भिगाया था रात भर के लिए, फिर पेस्ट बना लिया था और इसी के पानी का इस्तेमाल किया था पेस्ट को बनाने में। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक ये सूख गया है, मगर अभी 25 मिनट नहीं हुआ है, लगभग 10 मिनट हुआ है, ये अच्छे से भी नहीं सूखा है, मगर मुझे इसे रिमूव करना है क्योंकि थोड़ा सा मैं मसाज करूँगी। अगर आप इसे फेस मास्क की तरह इस्तेमाल करने वाली हैं, आपके स्किन पर ज़्यादा हेयर नहीं है, तो आप इस तरीके से 15 से 10 मिनट के लिए रखिएगा, उसके बाद इस तरीके से आप मसाज कर लीजिएगा। इससे आपके स्किन पर जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाएगा और एक अच्छा सा मसाज भी मिल जाएगा। जितना भी पिंपल्स वगैरह रहते हैं ना, बारीक बारीक से ब्लैक हेड वाइट हेड्स, वो भी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप मसाज करिएगा 15 मिनट के बाद। अगर आपको हेयर को रिमूव करना है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर की साइड आप मसाज करिएगा जब ये सूख जाएगा। सूखने के बाद जब इसे मसाज करेंगी ना, तो ये उपटन के जैसा निकलेगा, साथ ही साथ जो आपकी स्किन पर छोटे छोटे रोए हैं ना वो भी टूट कर निकल जाएंगे। इस तरीके से जब बाल निकलते हैं ना, तो वापस से उस जगह पर बाल नहीं आता है और धीरे धीरे बाल का ग्रोथ ख़त्म हो जाएगा, एकदम से कम होकर ख़त्म ही हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर ना 7 मिनट के लिए मसाज करूँगी, हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा हैवी हाथ नहीं लगाना है कि दबा दबा के करूँ। 7 मिनट मसाज करने के बाद स्किन बहुत ही बढ़िया से रिलैक्स हो जाता है। फिर क्या करेंगे, गीले कपड़े से इसे पोंछ लेंगे, आप चाहे तो फेस को नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा। वैसे भी हम जब इसे सुखाएंगे ना, तो मसाज करने के बाद आप निकालेंगे तो काफ़ी हद तक ये उपटन के जैसा निकल जाएगा। फिर आप गीले कपड़े से या फिर पानी से पोंछ लीजिएगा, धो लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब सूखे कपड़े से एक बार अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से हमने मसाज कर लिया है और स्किन भी आप देख सकती हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और स्किन मतलब एकदम रिलैक्स हो जाता है। अगर इसे करने के बाद आपने 1 घंटा नींद ले लेंगी ना, तो और भी अच्छा निखार आता है। और मसाज करने से ना अंदरूनी निखार आता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होने लगता है। तो आपको इसे निकालने के बाद क्या करना है ना, थोड़ा सा एलोवेरा जेल में गुलाब जल मिलाकर इस तरीके से लगाकर बस 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथ से इस तरीके से देखिए मसाज कर लेना है, मतलब फेस का एक्सरसाइज कर देना है, ताकि फेस हमारा शेप में रहे, ख़राब नहीं हो। किसी किसी का गाल बहुत ज़्यादा नीचे लटक जाता है, किसी के चिन के नीचे बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 मिनट मसाज इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगी ना, तो आपका फेस का शेप जो है ना वो बहुत ही अच्छे से रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना, तो प्यारा सा लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हो, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और कोई बात रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।